नमस्कार, मैं सतन शर्मा। चुनावी यात्रा में हम पहुंच चुके हैं। इस समय तिजारा विधानसभा सीट में तिजारा अलरो जिले के अंतर्गत आता है। ऐसे में भाजपा ने अपना यहां उम्मीदवार घोषित कर दिया है और जो मौजूदा अलरो लोकसभा से सांसद हैं बालकनाथ योगी, भाजपा ने तिजारा से ही उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में तिजारा की जनता से समझते हैं कि यहाँ का चुनावी मुद्दा क्या है, क्या मामला है, क्या बालकनाथ योगी से ये लोग उनसे क्या उम्मीद करते हैं और क्या जो यहाँ पे मौजूद हैं इन लोगों का क्या मत है। आप लोग बताइए, आप लोग बुजुर्ग हैं, कई चुनाव आप लोग देखे हैं राजस्थान का, कई साल से आप लोग चुनाव देखे हैं, तो इस बार का चुनाव पूरे जो अब तक चुनाव हुआ है किस बार अलग देख रहे हैं? देखो, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने जा रही है। इतिहास इस बार बदलेगा? हाँ, बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि गहलोत का नियम टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। गहलोत ने अच्छा काम किया है, ऐसी ऐसी योजना ला दी जो किसी राज्य में नहीं हुई अभी तक लागू, ठीक है। तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होने जा रही है और तिजारा विधानसभा में जितनी भी हमारी 36वीं बिरादरी हैं, सब में आपस में भाईचारा है। रही पार्टी के नाते, पार्टी भाजपा, कांग्रेस और भीम आर्मी, वो पब्लिक का सिस्टम है, लेकिन हमारे यहाँ जो ज़्यादातर है जो कांग्रेस के आदमी हैं वो नवाब दुर्रुमिया को वोट देंगे, नवाब दुर्रुमिया को टिकट मिलेगा, उम्मीद देंगे। इरफान भाई नहीं, कुछ नहीं, कुछ लोगों का मकसद है। नवाब दुर्रुमिया किस पार्टी से हैं? कांग्रेस से। और उधर कह रहे हैं बसपा वाले थे आपका? नहीं, बसपा इमरान जी के पास में है। तो आपकी पार्टी कांग्रेस वाले में भी टिकट नहीं मिला? एक से सवाल जवाब करो। अभी मेरा कहने का मतलब ये है, कांग्रेस का अगर नवाब दुर्रुमिया को टिकट मिलता है यहाँ से, तो भाजपा को मात दे सकता ओनली एक नवाब, और किसी को मिलेगा? किसी को मिलेगा तो किसी का बस की नहीं है जो कांग्रेस का टिकट को निकाल। तो कौन जीतेगा उसके बाद? उसके बाद में फिर बाबा जी जीतेगा, भाजपा। देखो, मेवात क्षेत्र में मेवात विकास का बोर्ड का पैसा है, अब वो एमएलए के ऊपर डिपेंड रहा, एमएलए ने कितना कहाँ कितना लगवाया है, पूरा तो सबका काम नहीं होता है। आपकी सरकार है, हाँ, 4.5 साल से तो चुनाव है, खत्म होने वाला है। ये सरकार वापस चुनाव के बाद आती है नहीं तो जनता का है, ठीक है। लेकिन अभी तक कोई कारखाना लगाने की बात, कोई कंपनी लगाने की बात आप लोगों के लिए क्यों नहीं? क्या क्या नहीं हुआ यहाँ कल कारखाना या जॉब के लिए कुछ करना आपकी गवर्नमेंट? देखो, ये राजस्थान है, ये अदर स्टेट नहीं है। यहाँ बच्चा जो क्वालिफिकेशन फाइट करेगा वे अपनी योग्यता के आधार पर कंपनियों में, सरकारी जॉब में, वहाँ जाएंगे। क्वालिफिकेशन की बात आप कर दिए, हाँ। परीक्षा पास करेगा आप बात कर दिए, हाँ। लेकिन परीक्षा देते आदमी जाता है, पता चलता है पेपर लीक हो जाता है, उस पर क्या करें? देखो, ये तो एक दूसरे। और आपके मुख्यमंत्री ऑफिस के पास करोड़ों रुपए, हाँ, सचिवालय में मिलते हैं, हाँ। देखो, सेंटर सरकार से हमारा मुख्यमंत्री को इतना बजट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। मैं अभी परीक्षा पे और, हाँ, जो पेपर लीक हुआ है और जो मुख्यमंत्री आवास के मतलब सचिवालय के पास से करोड़ों रुपए जब्त की है एसबी ने, तो उस पर बात कर रहे हैं। देखो, कल परसों ईडी भी आई है, ईडी की कार्रवाई भी हुई है, सीबीआई, क्या मिला है? क्या जवाब मिला है ईडी से? आरोप लगा रहा है कि बीजेपी, आरोप लगा रहा है कि चुनाव के पहले बीजेपी अपना हाथ कंडा, पहले क्यों नहीं कराया उन्होंने, चुनाव में ही क्यों किया? आरोप विपक्ष लगा रहे हैं। हाँ, विपक्ष को पहले भी तो करना चाहिए था, क्योंकि भाजपा सरकार, भाजपा की जो टीम है वो बौखला रही है, डर गई है। हाँ, बिल्कुल डर रही है, कांग्रेस की सरकार रिपीट होने जा रही है, इसी वजह से ईडी उतार दी है। हाँ, इसीलिए मैदान में ईडी। वैभव गहलोत के बेटे के मतलब अशोक गहलोत के बेटे को वैभव गहलोत के घर भी समन चला गया ईडी। देखो, मैं पेपर लीक मामले में, देखो बात सुनो मेरी, इतना तो मैं आपसे कहूँ कि मैं इतना बड़ा राजनेता हूँ, इतना मैं एक हूँ नहीं, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, ठीक है। और जब विधानसभा, लोकसभा, पंचायत के चुनाव आते हैं तो उनमें हमारा आना जाना होता है, तो इतनी थोड़ी। आप बताइए, आप लोगों की नज़र में कौन सी सरकार आ रही है? भाई, सरकार तो कहाँ सरकार, हम तो अपने वही नाड़ा पीटना, हम लोग कहाँ फायदा करें? वोट किसको देंगे? चलिए, 5 साल में एक बार ही कांग्रेस की देता है सदस्य, कितना कुछ किया आपके लिए, टिकट मिल जाएगा वाले वोट दे देंगे, यानी सिर्फ पार्टी के नाम पे, हाँ, कांग्रेस उम्मीदवार के नाम पे, टिकट के पीछे वोट, टिकट ही देवा हम, टिकट के बीच में कौन आता है? टिकट पे ही देवा हम, टिकट पे ही। आप लोगों का मुख्य मुद्दा क्या है? सरपंच कर ले, सरपंच
सरपंच करो पर आप सरपंच साहब हैं। हमारे यहाँ 10 साल से 2 MLA बनाए, पहले तो मामन मास्टर बना था। 5 साल के अंदर उसने हमारे यहाँ एक पत्थर नहीं लगवाया, कोई विकास नहीं किया मेवात में। जो भी कुछ किया वो इधर ही किया है। अब ये हुआ है, ये क्या नाम है इसका, संदीप यादव, इसने 5 साल कोई कुछ नहीं किया है मेवात क्षेत्र में। हम विकास के ऊपर काम वोट देंगे और विकास के ऊपर देते आए। वो तो जाकर के कांग्रेस से मिल गए, तो क्या कांग्रेस आप वोट देने कर रहे हैं कि कांग्रेस क्षेत्र में नहीं किया वो, उसने कोई काम नहीं किया। कांग्रेस को वोट देंगे और कांग्रेस की विधायक को ही नापसंद कर रहे हैं। 5 साल कौन कर रोल विधायक है, नवाब साहब ने खूब काम किया था, नापसंद नहीं कर रहे हैं। हमने सरपंच साहब ने बोला थोड़ी देर पहले, मान ले उससे पहले मामन साहब विधायक था, विधायक होने के बाद में मेवात का पैसा पूरा उसने लगा, आज भी बोर्ड लगा हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। पूरा मेवात का पैसा उसने अपने इस साइड में लगा, हीरवाल में लगा दिया पूरा पैसा ये। और जो विधायक है संदीप यादव, फिलहाल प्रेजेंट टाइम में ये भी विधायक है, और ये कांग्रेस से है, वो बीजेपी से था, इसने भी काम अपनी साइड में ही किया है। अगर कांग्रेस इस बार संदीप यादव की टिकट देती है तो आप लोगों का रुख क्या होगा? संदीप यादव को वोट नहीं करेंगे, संदीप यादव को वोट नहीं देंगे, वोट देंगे सिर्फ इमरान को। इमरान को वोट मिलेगा, इमरान के लिए वोट मिलेंगे, सारी को मिले वोट इमरान को मिलेगा, बिरादरी देगी, सारी बिरादरी देगी। हमने दो चार आदमी भाई जो कांग्रेस से कांग्रेस की वोट है, बाबा कांग्रेस 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 काय जो टिकट मिल जाए कांग्रेस की वोट भाई। इमरान कुछ भी ना, इमरान पे तो वो कुछ भी ना है, कांग्रेस वोट देंगे, कांग्रेस कांग्रेस की वोट है। अजय अगर संदीप यादव को भी देता है तो भी, अरे कांग्रेस को हाँ वोट दे दें, कांग्रेस को टिकट, संदीप यादव को कांग्रेस टिकट देती है तो भी टिकट पे ही देता है। उसे क्या कर रहे हैं, इमरान को टिकट मिल जाए, इमरान को वोट दे रही है सारी कौम, और ही को आदमी है हमारे लोकल ही, बढ़िया आदमी रहेगा हम लोग, इमरान का टिकट मिलना। वो लोकल की बात कर रहे हैं आप पार्टी तो अपने मुंड है भाई, हमने तो बुढ़ापा को आप टिकट पे देते, हम टिकट कैसे छोड़ा अपना है? टिकट पे कोई भी ना दे, टिकट वोट देंगे उम्मीदवार से मतलब नहीं, उम्मीदवार दुर्रुमिया। आपको क्या लग रहा है बाबा? हम टिकट पे वोट देता है, टिकट पे वोट कोई भाजपा बसपा कांग्रेस कांग्रेस में हम तो दूर में वोट दे मोदी गवर्नमेंट की कौन सी योजना पसंद आ रही है? हम ना जाना वो जन पोजन तो कांग्रेस सरकार ने इतनी योजना लागू कर दी, जो सेंटर सरकार की योजना की इतनी हमने ना जितनी हम लोग ये पूरी मिल रही है, जो राजस्थान सरकार ने जो दिया ना योजना खूब बढ़िया योजना, चिरंजीवी योजना दी है। मान लीजिए अगर दोबारा कांग्रेस सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री चेहरा अभी भी कांग्रेस में डाउट है कि सचिन पायलट आएंगे कि अशोक गहलोत आएंगे, आप लोग किसको? सचिन पायलट बन जाए तो वेलकम, गहलोत जी बन जाए तो वेलकम, आला कमान जिसको बिठाएंगे वह हमारे लिए सर्वमान्य होगा। हम इस समय मौजूद थे तिजारा विधानसभा में, जो मेवात को भी जोड़ता है और इधर अलरो को भी कई क्षेत्र जोड़ता है। ऐसे में यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी का बोलबाला है, ऐसे में जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं कि जो मौजूदा विधायक हैं और उसके पहले जो विधायक थे कहीं ना कहीं सिर्फ वो अपने इलाके में विकास किए हैं, मेवात की तरफ विकास नहीं कर पाए हैं। ऐसे में जनता उन मौजूदा विधायक से काफ़ी नाराज है, लेकिन कुछ लोग कांग्रेस के नाम पर वोट देंगे तो कुछ लोग लोकल उम्मीदवार के नाम पर वोट देने की बात कर रहे हैं। ऐसे में बालकनाथ योगी का जो यहाँ पे भाजपा ने टिकट दिया है, अभी तक जितने लोगों से हम मिले कहीं ना कहीं बालकनाथ योगी यहाँ पर पिछड़ते नजर आ रहे हैं। हम सारे विधानसभा को कवर कर रहे हैं, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, नमस्कार।